एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया पर डायनासोर का राज हुआ करता था। आज जहां हम रहते हैं, कई सौ साल पहले ये रहा करते थे और खुली हवा में सांस लेते थे। इन्होंने यहां बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। इन दैत्याकार डायनासोरों ने लगभग पृथ्वी पर 14 करोड़ सालों तक अपना राज किया। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। अब डायनासोर्स की अगर बनावट की बात की जाए तो इनकी लंबाई लगभग 10 से 14 मीटर लंबी और इनकी जो ऊंचाई होती थी वो लगभग जमीन से 4 मीटर तक ऊंची होती थी। आप देख सकते हैं कि एक आदमी के सामने ये डायनासोर कितना बड़ा दिखता है। लगभग एक आदमी से 25 से 30 गुना बड़ा ये डायनासोर दिखता था। इन डायनासोर्स की अगर हम प्रजातियों के बारे में बात करें तो इनकी लगभग हजारों प्रजातियां होती थीं। इनमें से सारे प्रजाति मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ प्रजातियां जो थीं वो बिल्कुल शाकाहारी होती थीं। इसका मतलब वो पेड़ों की पत्तियां और घास को खाकर रहते थे। लेकिन इनमें से बहुत से जो डायनासोर होते थे वो बहुत ही नरभक्षी टाइप के होते थे, जो कि पूरे तरीके से मांसाहारी होते थे। अब हम अगर इनके शारीरिक संरचना के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल सकती है। ऊपर आप देख सकते हैं ये हेड है, फिर उसके नीचे ये मस्कुलर नेक है, पीछे एक लंबी सी पूंछ इनकी रहती थी जो कि इनके शारीरिक बनावट और संरचना को बैलेंस करने का काम करती थी। और इनका जबड़ा बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसमें इनके कई सारे नुकीले दांत हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये डायनासोर अपना शिकार करता है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इनकी शारीरिक संरचना की जो बनावट है और उनके बॉडी पार्ट्स के नाम हमने अलग अलग तरीकों से आपको दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि इनके किस भाग को क्या कहते थे। अब डायनासोर के स्केलेटन की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से रहती थी। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक कंकाल तंत्र है डायनासोर का, और बीच में एक रीढ़ की हड्डी होती थी जो कि पूंछ तक जाती थी, और यही इनके बॉडी को बैलेंस करने का काम करती थी। The Tyrannosaurus rex, meaning tyrant lizard, is the best known species in the genus Tyrannosaurus. It lived in the late Cretaceous period, 65.5 to 67 million years ago. It may have been an apex predator, but it has also been suggested that it was a scavenger. The forelegs of the T-Rex were small but strong. They may have been used in mating, feeding, or helping the animal rise from a resting position. The hind legs were large and strong and used for running. The tail was long and heavy to counterbalance the huge weight of the head and the body. According to previous representations, the tail served as a support for the body, but this view has been proved wrong. The spine of the T-Rex was nearly horizontal as it walked. The first partial T-Rex skeleton was found in the US in 1900. Since then, more than 30 have been found. They provide scientists with a great deal of information about the characteristics of these ancient reptiles.